News 18, India. तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का विद्रोह से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बलूचिस्तान के बोलान के माझ शहर और उसके आसपास के इलाकों की सड़कों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सेना से लड़ाई के लिए विस्फोटक माइंस लगा दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वहां की आम जनता को सड़कों पर आने से मना कर दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इस निर्देश से बोलान में अफरा तफरी मच चुकी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कई इलाकों में अपने नियंत्रण का दावा भी कर दिया है। तो बीएलए ने कई इलाकों में नियंत्रण का दावा किया है, ये अब टेंशन बढ़ाने वाली बात है पाकिस्तान की आर्मी के लिए, सरकार के लिए। ओपी तिवारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। ओपी, जिस तरीके से बीएलए के दावे हैं, क्योंकि विद्रोह तो वहां पर बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब तो इलाकों में कब्जे का दावा बीएलए की तरफ से हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसमें दो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। पहला डेवलपमेंट ये है कि माझ जो शहर है, उस थाने के पुलिस के जो एसएचओ है वो मारे गए हैं। इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तानी सेना ने अपने गन फायर हेलीकॉप्टर बोलान माझ और उसके आसपास के जो आकाश हैं वहां तैनात कर दिए हैं, जो ऊपर से लगातार फायरिंग कर रहे हैं, जिससे कि सड़कों पर जो नियंत्रण है, जो बीएलए का नियंत्रण हुआ है, उसे किसी भी तरह से हटाया जा सके। जो बीएलए का दावा है कि उसने मोलान माझ और आसपास के क्षेत्रों में सभी आंतरिक और बाहरी सड़कों पर नियंत्रण कर लिया है और सभी सड़कों पर माइन बिछा दी गई है। ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान के इतिहास में जब बलूचिस्तान के दो बड़े शहरों में माइन बिछा दी गई है और पूरी तरह से बीएलए के नियंत्रण का वहां पर दावा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दावे के मुताबिक जो महत्वपूर्ण सड़कें और जो अन्य नगर है पाकिस्तान के, मतलब लाहौर, कराची, उससे बलूचिस्तान का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है और वहां पर लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना इस शहर के आसपास बड़े पैमाने पर तैनात कर दी गई है। जी ओपी तिवारी, बीएलए का इतना ताकतवर होना, माइंस बिछाना पूरे शहर में, इसके पीछे की वजह क्या है? जल्दी से देखिए, बलूचिस्तान को लेकर बीएलए का दावा है कि पाकिस्तानी सेना वहां पर जो है उनको लगातार मार रही है और बलूचिस्तान का दोहन करके चाइनीज को दे रही है। यही कारण ठीक है ओपी, तो ये अहम जानकारी हमारे सहयोगी ओपी देते हुए। बीएलए ने कई इलाकों में नियंत्रण का दावा कर दिया है, जिसने पाकिस्तानी आर्मी की टेंशन बढ़ा दी है। और इस वक्त बिहार से बड़ी खबर, कुछ ही देर में पटना में तेजस्वी यादव से ईडी के अधिकारी पूछताछ करने वाले हैं। रिया सूत्रों के मुताबिक नौकरी